हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपको एक पावरफुल ठीक है बैटरी लिथियम आयन ठीक है गाइस, एक लिथियम बैटरी पैक बना के दिखाऊंगा गाइस। चलो वीडियो को शुरू करने से पहले आपका भाई का नाम जानना स्पीडमैन, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो वीडियो को जो जो पार्ट लगेगा वो बता दो ठीक है गाइस। 3 मीटर लगेगा ठीक है ना, 3 मीटर लिथियम आयन ठीक है ना। अच्छे चलो गाइस इसको भी सोल्डिंग हो गया। आप सोल्डिंग अच्छे से देख लीजिए ठीक है ना गाइस, इस तरह सोल्डिंग कर देते ठीक है। चलो इसको, चलो इसको भी सोल्डिंग कर देते ठीक है ना। इसका इनपुट होगा, इनपुट या आउटपुट होगा, चार्जिंग होगा इसके अंदर, चार्ज होगा ठीक है। इसके अंदर बैटरी चार्ज होगा, आउटपुट ले लेंगे हम ठीक है ना। चलो इसको सोल्डिंग करने के बाद आपसे मिलते हैं ठीक है, सोल्डिंग करने के बाद मिलते हैं ठीक है ना। चलो गाइस सोल्डिंग हो गया ठीक है, अच्छे देख लो ठीक है, ठीक है ना। चलो इधर भी टेप मार लीजिए, चलो इस तरह ब्लैक टेप मार लीजिए ठीक है गाइस। आपको जो भी टेप हो आप मार दीजिए, मेरे पास ब्लैक टेप है, ब्लैक टेप मार दीजिए ठीक है गाइस। चलो इसको आपसे पहले
से उठा लो, इस तरफ से मार दो, ठीक है ना गाइस। ठीक है चलो इधर एक इंच काट देंगे, ठीक है ना। चलो गाइस चलो गाइस, मेकिंग को भी तो टेस्टिंग होते हैं, ठीक है ना गाइस। चलो इसको एक फैन चला देते, ठीक है, 12 वोल्ट डीसी मोटर चला देते, ठीक है, चला के देखते हैं। सबसे पहले इसके वोल्ट कितना वोल्ट चेक होता है, ठीक है ना गाइस। इस तरह मल्टीमीटर में, ठीक है ना, इस तरह मल्टीमीटर में आप चेक कर बताते, ठीक है ना। चलो गाइस इसको लगा दे, ये प्लस ये होगा माइनस, ठीक है ना, देख लो प्लस देखते हैं 11.5, ठीक है ना गाइस। 12 वोल्ट है, थोड़ा सा बैटरी कम है, चार्ज कम है, ठीक है ना, इसीलिए ये दिखा रहा है। चलो इसको छाड़ देते रखते हैं। तो इसके साथ एक मोटर चला देते, तेरा ए रहा ए बार मोटर चला के, ठीक है, आके दिखाता हूँ, ठीक है ना गाइस। इस तरफ से गाइस बुर्ज बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है मोटर, ठीक है ना, ठीक है। चलो गाइस गाइस अच्छा होता है इस वीडियो अच्छा लगा, ठीक है ना, 12 वोल्ट की थोड़ा सा बैटरी, ठीक है ना गाइस। वीडियो को देख के अच्छा लगा, चैनल में चलो गाइस इधर वीडियो से चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चैनल में सब्सक्राइब करना, चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसलिए जय हिंद।